आज हम भाषा के विविध रूपों के विषय में अध्ययन करेंगे। मनुष्य चूंकि सामाजिक प्राणी है, इसलिए संप्रेषण उसकी आवश्यकता बन जाती है। अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य ने अपनी भाषा का विकास किया है। वैसे तो प्रत्येक प्राणी किसी न किसी तरह की भाषा का प्रयोग अपने साथियों को अपने बात को पहुंचाने के लिए करता है। जब बिल्ली आ जाती है तो आपने देखा होगा चिड़ियां चीं-चीं करने लगती है और उनकी एक आवाज़ प्रातः काल जब सूर्योदय होता है तो उस समय की जाने वाली आवाज़ से भिन्न होती है। इसी प्रकार यदि चींटी अपना खतरा देखती है तो अपने पीछे आने वाली चींटियों से वह एक क्षण मात्र के लिए अपना मुंह भिड़ाती है और कुछ कहती है और उनकी दिशा बदल जाती है। कभी ध्यान दीजिए, इसका मतलब संप्रेषण तो उन्होंने भी किया है, पर हम यहाँ पर मनुष्य के संप्रेषण की बात कर रहे हैं और मनुष्य की भाषा की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो मनुष्य अपनी बात जब किसी से कहता है तो उसकी भाषा बदल जाती है। भाषा के अनेक रूप हो जाते हैं, चाहे भाषा एक हो, कहने में हम उसे हिंदी कहें पर उस हिंदी के भी भिन्न भिन्न रूप हो जाते हैं। वह किस तरह होते हैं इस चीज़ को हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जिस भाषा के विषय में हम चर्चा करेंगे वह है मूल भाषा। ये मूल भाषा क्या होती है? तो जैसे मानव का विकास हुआ तो हम ये मानते हैं मनु से मानव की सृष्टि हुई है, इसीलिए मनु से उत्पन्न होने के कारण मानव कहलाया, इस तरह की बात हमारे यहाँ प्रचलित है। तो उसी तरह से किसी ने किसी प्रकार से कोई भाषा अवश्य आज प्रचलित भाषाओं की मूल भाषा रही है, ऐसा माना जाता है। वह मूल भाषा पहले जब प्रारंभ में व्यक्ति कम रहे होंगे तो उनकी मूल भाषा रही होगी, उनके आसपास रहने वाले एक निश्चित क्षेत्र की एक मूल भाषा रही होगी और उस फिर उस भाषा से अन्य भाषाओं का, वहाँ की भाषाओं का विकास हुआ है। जब हम भाषा परिवार का अध्ययन करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, तो उसमें भी हमें 9-10 प्रकार की मूल भाषाओं को की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम यदि उदाहरण के लिए लें तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मूल भाषा भारोपीय भाषा कहलाती है। मूल भारोपीय भाषा, उससे भारोपीय भाषाएं निकली हैं, फिर उससे हिंदी ईरानी भाषाओं का विकास माना गया है, वैदिक भाषा संस्कृत भाषा पाली प्राकृत अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इस तरह से हम इस ओर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि मूल भारोपीय भाषा से हमारी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। और ये जो आदि भाषा है वह मूल भाषा कहलाती है। इसी तरह से विश्व की और जो सहस्त्रों भाषाएं हैं उन भाषाओं की मूल भाषा भी कोई न कोई भाषा अवश्य रही है। ये था मूल भाषा के विषय में। अब मूल भाषा से हम आते हैं भाषा के विषय की जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी, चीनी, रूसी, फ्रेंच, अंग्रेजी आदि बहुत सारी भाषाएं हम जानते हैं इस बात को, और भी बहुत सारी भाषाएं जिन्हें हम एक सामान्य रूप से जो नाम देते हैं वह नाम होता है भाषा। और उस भाषा को भाषा कहलाने का आधार क्या होता है? तो कितनी जनसंख्या उसका प्रयोग कर रही है, उसका औसत भूभाग क्या है, उसके बोलने वालों की
श्रेणी का महत्व क्या है, किस स्तर के वो लोग हैं, साहित्य की श्रेष्ठता कैसी है, राजनीतिक उसका क्या महत्व है, इन सब भाषाओं को दृष्टि में रखकर किसी भी भाषा को भाषा माना जाता है। तब किस तरह हम उसे सीधे शब्दों में कहें, ये बात हमारे सामने आती है। तो सीधे शब्दों में यदि हम समझने का प्रयास करें तो जब किसी जन समूह का मानव किसी भी कारण से बढ़ जाता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से संख्या बढ़ेगी तो उसकी जीवन स्तर की भी उन्नति होगी। तब उसकी बोलचाल की जो बोली है, परस्पर संप्रेषण का जो साधन है, वह भाषा कहलाने लगती है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी एक बड़े भूभाग पर विद्यमान बहुत से व्यक्तियों की परस्पर संप्रेषण की जो भाषा होती है वह भाषा भाषा कहलाती है। तब यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगी, वह भाषा का एक अलग रूप हो जाता है जिसे हम बोलते हैं विभाषा या बोली। अब कई लोग हैं जो विभाषा और बोली को एक ही मानते हैं, जबकि विभाषा और बोली में अंतर होता है। हम पहले यहाँ पर विभाषा को देखने का प्रयास करते हैं, फिर हम बोली को देखेंगे। ऐसा माना जाता है कि जो एक आदर्श भाषा होती है उसके अंतर्गत अनेक प्रकार की विभाषाएं हुआ करती है, क्योंकि जो विभाषा है इनका आधार स्थानीय भेद माना गया है। स्थानीय भेद के आधार पर भाषाओं में जो अंतर आ जाता है वह किसी भी विभाषा को विभाषा कहने का आधार होता है। यदि हम आदर्श हिंदी भाषा की विभाषाओं को देखें तो इसकी कई विभाषाएं हो जाती है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, असमी, राजस्थानी, इस तरह से बहुत सारी भाषाएं उसके अंतर्गत आ जाती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि जो भाषाएं प्रांतीय स्तर पर या शासन द्वारा एक प्रांतीय स्तर पर स्वीकृत हो जाती हैं और उस प्रांत का शासन कार्य उस भाषा में होने लगता है तो वह विभाषा कहलाने लगती है। अब हम इसी के समकक्ष आते हैं बोली पर। बोली किसे कहते हैं? थोड़ा सा अंतर है बोली और भाषा के अंदर। हमने अभी कहा है कि प्रांतीय स्तर पर जब किसी भाषा का प्रयोग शासन के अधीन किया जाने लगता है, शासन में किया जाने लगता है, तो वो विभाषा कहलाती है। आप इस आधार को मानकर बहुत आसानी से हम बोली को समझ सकते हैं। जो भाषा प्रांतीय स्तर पर बोली तो जाती है, परंतु जिसका शासन के अंतर्गत उपयोग नहीं होता है, भले ही उसमें साहित्य रचनाएं विद्यमान होती है, ऐसी भाषाओं को बोली कहा जाता है। जैसे ब्रज, अवधी, कुमायूनी, बुंदेली, भोजपुरी इसके अंतर्गत आ जाएंगी।
अब बात आती है उपबोली की। उपबोली किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह होती है उपबोली, जिसे हम व्यक्तिगत बोली भी कह सकते हैं। यह एक व्यक्ति की भाषा होती है। हम किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनते हैं और ये कह देते हैं कि ये फला व्यक्ति है, या फिर एक्टर्स की नकल उतारी जाती है तो सब मनुष्य हैं, सब हिंदी में ही बोल रहे हैं, एक ही भाषा में उच्चारण कर रहे हैं, उसके बाद भी हम कह देते हैं कि ये तो उसकी आवाज़ है। तो यह जो हर व्यक्ति के बोलने का एक भिन्न तरीका होता है, उच्चारण करने का भिन्न तरीका होता है, यह उसकी व्यक्ति बोली, व्यक्तिगत बोली, उपबोली कहलाता है। और इससे हम ये भेद कर पाते हैं कि ये किसकी आवाज़ है। भाषा का एक अन्य प्रकार है जिसे विद्वानों ने नाम दिया है अपभाषा। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, अपभाषा मतलब अशिष्ट, असभ्य और अपरिष्कृत भाषा। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? यदि हम ये देखें तो महाभाष्यकार पतंजलि ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, और इसे अशुद्ध भाषा के अंतर्गत समाहित किया था, क्योंकि समाज के सभी व्यक्ति एक ही स्तर के नहीं होते, तो जो निम्न वर्ग है, सामाजिक दृष्टि से जिसे हम निम्न वर्ग की श्रेणी में रखते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका उद्देश्य केवल अपना जीवन यापन करना ही है, ऐसा बहुत बड़ा वर्ग हमारे समाज में विद्यमान होता है। ऐसे व्यक्तियों की भाषा सामान्य व्यक्ति की भाषा से अलग हो जाती है। ये जब हाथ से मनोरंजन इत्यादि में जो भाषा